दोस्तों अभी हम यहाँ पे फील्ड्स में आए हैं, खुले एरिया में, क्योंकि हमारे एक एक्सपीरियंस रहा कि हमने जो आरसी ड्रोन है, बेसिकली एक छोटा हेलीकॉप्टर जो रिमोट से ऑपरेट होता है, हमने उसे अपने घर की टेरेस से उड़ाने की कोशिश करी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो के बहुत दूर चला गया। तो हमें लगा क्यों ना आपके लिए एक रिव्यू बनाया जाए ओपन स्पेस में कि ये आरसी हेलीकॉप्टर जो है, मैं आपको इसका एक क्लोज व्यू देता हूँ कि ये किस तरीका का दिखता है। पहले आप ये देख लीजिए, इससे पहले कि हम इसको उड़ाएं, कि इसका कैसा लुक है, इसके साथ क्या क्या आता है। ये देखिए, ये इसके ऊपर चार फिन्स हैं, ठीक है, इसके सपोर्ट से ये उड़ता है। और ये यहाँ पर ये इसका रिमोट है, ये आप जो देख सकते हैं ये पॉइंट, ये इससे चार्ज होता है। नीचे इसकी लाइट्स हैं, बेसिकली एक ये लाइट है, एक ये दूसरी लाइट है और एक ये फ्रंट में लाइट और है। दोस्तों ये इसके साथ ये मिला है यूएसबी चार्जर। हाँ जी, तो और ये देखिए पीछे ये इसका ठीक है गुड टू सपोर्ट, इसका पीछे फ़ैन है सपोर्ट के लिए। तो अभी हम इसको यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑन कहाँ से होता है। तो आप ये जो मैं एक मिनट फोकस करने दीजिए, हाँ जी, ये जो आप ब्लैक स्विच देख रहे हैं ऑन ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है। तो जैसे हम इसे ऑन करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले आपको दिखा दूँगी इसके पास हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल भी है जो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें अप और स्टार्ट के फंक्शन हैं, जिसमें ऑन ऑफ है। इसमें दो बैटरीज डलती हैं, पेंसिल सेल्स और जो रेगुलर साइज होता है। और अब देखिए हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। जी अब देखते हैं ये हमारे कंट्रोल में रहता है नहीं रहता। आप क्या लगता है ये कंट्रोल में रहेगा? पहले जो अभी करा था रिव्यू उसमें तो कुछ डर लग रहा है। चलिए यहाँ पे पकड़ लेंगे तो दोस्तों इसी के साथ लेट्स स्टार्ट। और ये इसका यहाँ से रिव्यू शुरू करते हैं। देखिए हमने ऑन कर दिया, लाइट चलने लगी है और ये देखिए ये गया ऊपर। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं, पर देखते हैं कि ये कंट्रोल में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखिए थोड़ा और इसके क्लोज जाते हैं, ये देखिए ये ऊपर ही एक जगह है, आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा, ये अपनी मर्जी से ही लग रहा है जा रहा है। और ये देखिए नीचे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अब क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है तो ये अब उसके पीछा करेंगे और हम भी चलिए इसके पीछे चलते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे कंट्रोल में आता है, क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें पता था कुछ ऐसा होगा इसीलिए हमें खुली फील्ड्स में आना पड़ा दोस्तों। ये देखिए अब हमें नहीं पता, ये देखिए ये रहा ड्रोन, ये रहे यहाँ पे चेतन भाई साहब और ये सब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए और ये इनके हाथ में, तो कैसा एक्सपीरियंस आपके हाथ में, कैसे आया ये? बैटरी लो। ये देखिए फिर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया इसको गया। और फिर ये ऊपर जा रहा है, आगे डाउन, ये डाउन आ गया। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो नहीं रहा यार, एक भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा, सिग्नल नहीं पकड़ रहा, पता नहीं इसमें। तो बेसिकली इसका एक प्राइस रेंज बता दीजिए कितने का है ये? ये अराउंड आपको 400 रुपीज का आपको पड़ेगा, 400 to 450 डिपेंडिंग अपॉन द शॉप दैट यू बाय फ्रॉम। तो ये देखिए ये अब ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मे बी इसकी बैटरी डाउन हो गई है। बट अब इतने प्राइस रेंज में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ठीक है, फॉर किड्स इट्स गुड, फॉर किड्स 3+ ईयर एज ग्रुप। तो ये देखिए फिर से ऊपर कोशिश कर रहा है, पता नहीं कभी भी नीचे आ सकता है अपने आप। ये देखिए देखिए तो जैसे ही टकराता है ये अपने आप ये बंद हो जाता है। वो बोल तो रहा है मुझे, दोस्तों आपके ऊपर है, अगर आपको अपने बच्चों के लिए लेना है फॉर एज ग्रुप 3+ तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं फॉर फन। ओपन एरिया में डेफिनेटली जा सकते हैं, बट प्लीज कोशिश करिएगा कि टेरेस पे ना चलाएं, क्योंकि अगर आउट ऑफ वहाँ कंट्रोल चला गया तो ये कहीं पे भी जाके रुक सकता है। तो ये देखिए ये देखिए, चलिए तो आप अपना आप भी लीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, मिलते हैं फिर आपसे बाद में। टिल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हम आगे आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, बाय। ठीक है, चलो बाय।